हाय मैं दया, क्या करूँ इस औरत का। रहती उधर है और कचरा इधर फेंकती है। आज तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो हमेशा का ये रोज का नाटक हो गया है। ये कटकटी आका है ना, इसको तो आज सुनाना ही पड़ेगा। अक्का, ओ अक्का, क्या हो बहन, तुमने मुझको आ रही मारी क्या? सुनो शांता बहन, आप रहती उधर हो और कचरा इधर डालती हो, ये कुछ अच्छा नहीं है। कौन था ये? क्या बेन, तुम भी? ये क्या कचरा है क्या? ये तो काम दे रहा सुन के फोतरे, और वो मिर्ची का देते, इसको क्या कचरा बोलते हैं क्या? हाँ? फिर एक काम करो, आपके घर में फेंक दो, कचरा नहीं है तो। काहे के लिए घर में फेंको? मेरे को क्या घर में उखल लबा लाने का है का? हाँ तो फिर रोज सुबह कचरा गाड़ी आती है, उसमें डाला करो ना, इधर क्यों फेंकते हो? ये सारा उड़ के मेरे घर में आ जाता है। तुम्हारे घर में उड़ के आ जाते हैं तो मैं क्या उसके कान में बोलती हूँ क्या? वो कान दे लो उनके पोत्र के कान में बोलती हूँ क्या? जा जा, उसके घर में उड़ जाए सा। देखो बहन, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, पर आपको ये सलाह देती हूँ कि अगली बार इधर कचरा ना फेंकें, वरना मेरा मर्द अच्छा नहीं है, वो गाली गलौज देगा, आपको बुरा लगेगा। बड़ा गया देगा ना, मेरा मर्द भी बेकार है। एक डुरगुम्बा में तेरे मर्द के ना छतड़ के बरगड़े तोड़ डालेंगे वो। हाँ, मेरे नाते मत लाग तू। वाह रे वाह, तुम्हारा मर्द मारेगा तो मेरे मर्द ने क्या चूड़िया पहनी है क्या? मेरे को क्या मालूम तुम्हारा मर्द चूड़ी पहनता है का लंगा पोल का पहनता है। देखिए आपका, सिंपल सी बात है, आप यदि आप कचरा नहीं फेंकेगी तो मैं भी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी ना। झगड़ा? तू क्या मुझसे झगड़ा करेगी? आखी गली और आखा गांव है ना, बेकार घाबरता है मुझको। तेरे को क्या मालूम, थोड़ा सा भी मालूम छेगा तुमको। तुम्हें ना मेरे नांदी मच लागो, लोग है ना, लोग मेरे ऊपर है ना गान कर देते, पर मेरे तोड़ने लगते, बेकार तोड़ा है मैं। कावे ना रे, हाँ काय वाला संध्या का तुम्हारी झगड़ा लाई दिया तुम्ही। देखा ना मामा जी, है काल दिस नहीं गुबेर, दोन कांदा नाला सुना पोत्र का उड़ गया, मन से झगड़ा करनी। तुम संगे झगड़ा करने बड़ी ना इतनी शक्य नहीं वो, तू दाग का गावले पूरी जास, तुम संगे कस का ढोकला आई थी नहीं। क्या हो बेन, काय हो गया? शेजारी है एवडा तेवड़ा लागू रहता है, थोड़ा परसेंट तुम भी कर लो ना। देखिए दादाजी, मैंने इनसे एक दरख्वास्त की कि इधर कचरा ना फेंके, फिर भी ये मानती नहीं है। नहीं वो कैसा है मालूम है क्या, ये इधर से हवा आती ना, वो उड़ के वो कांदा लसुन के पोत्रे वो हल्की होती है, वो वजन नहीं रहता ना उनका, तो उड़ के इधर तुम्हारे आंगल में आ जाती होंगी। वो हो जाता है शेजारी, हम एक आध दिन हो जाता है। दादाजी मैं इतनी भी गई और गुजरी नहीं हूँ कि एक आध दिन हो गया, गलती से हो गया तो दिमाग लगाने आ जाऊंगी। ये हर रोज का नाटक हो गया है, हर रोज शांता भाई उधर से कचरा फेंकती है और इधर आ जाता है। कल भी उन्होंने वो कांदा लहसुन का पोतरा है उधर फेंक दिया और उड़ के इधर आ गया। माय माय माय, कितनी लबाड़ बोल रही है तू। कल दिन है ना, कल दिन हम लोग ने वो चिकन चिकन का लटपट रहता ना, लटपट वो बनाया था, हाँ उसमें कांदा लहसुन का पोतरा कैसे उड़ेगा फिर? तुम ही बताओ तो कैसे उड़ेगा? लटपट में कांदा लहसुन डालते है क्या, तुमको मालूम नहीं क्या? तुम तो मेरा वाला इतना सभी सही नहीं करती हो। हाँ तुम्हारा बच्चा रोज मेरी रांगड़ी पूछ के ऐसे पाव फैला के चला जाता है। कदी कदी मदी आई क्या मैं तेरे घर पे, हाँ झगड़ा लेके आई क्या? तो अभी बच्चा है, उसको इतना समझ नहीं है ना, इसकी वजह से बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, नहीं आएगा वो रांगड़ी पूछने के लिए। मैं तो वही सांगी रही ना, फिर ये भी कांदा लहसुन के पोत्रे, इनको कैसे समझा रहे फिर हम? उनके आंगन में तुम्हारे आंगन में बताओ ऐसा, तुम्हें बताओ तो। देख दिन तुम मैं सांग दे, देख कैसे है वो शेजारी हम एक मेक के नहीं का, तो इतना देखना चालू रहता है। हाँ तुम्हारे तुम्हारे बच्चा छोटा है, वो हमारे एंगल में कुछ भी कर जाएगा, मैं सहन कर लूंगी, मेरा थोड़ा पर कचरा आया तू सहन कर ले, ऐसे एक मेक को समझ लेंगे ना तो हमारे बीच ना झगड़ा भी नहीं होगा और वो क्या बोलते नहीं क्या, प्यार भी रहेगा। वाह क्या बात कही है शांता का आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अगली बार आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, ठीक है? हम एक दूसरे को समझ लेंगे तो परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्यों दोस्तों? आपको क्या लगता है इस बारे में?
कमेंट करके जरूर बताइए और अपने हैरानी बोली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही अटपटे और चटपटे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी।